एक तरफ एनडीए को बहुमत मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने अपने आप इस बार नंबर गेम में अपने आप को बढ़त दिलाई है, वो अपने आप राहुल गांधी के कद को बड़ा करता है। इसलिए राहुल गांधी के इस लोकसभा सीट में हम आए हैं और लखनऊ से जैसे ही आप अंदर आते हैं बछरावा लगता है, चिरवा गांव लगता है और इस वक्त हम चिरवा गांव के हनुमान मंदिर में हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि गांधी परिवार आज से नहीं, हमेशा से जब कभी भी वो अपने संसदीय सीट में आता रहा है, वो यहाँ पर अपने बजरंग बली की पूजा करता रहा है, सर नवाता रहा है। और इस बार भी राहुल गांधी जब 20 तारीख को मतदान पड़ रहा था तो लखनऊ से पहले यहाँ पूजा करके ही अंदर गए थे। पंडित जी ठीक कह रहे हैं? जी जी भैया एकदम सही है। जब वो आए थे तो सबसे पहले मंदिर पे ही मत्था टेका उन्होंने जी, उसके बाद विधि विधान से पूजन अर्चन किया, हनुमान जी को सिंदूर लगाया, अखंड ज्योति जलाया, धूप बत्ती दिखाया, मंदिर पे टीका लगवाया, प्रसाद लिया, उसके बाद दर्शन करके तब फिर रायबरेली के लिए रवाना हुए। तो आपने कुछ कहा मतलब? जी जी अब हमारा तो यही काम ही है, सबके पूजा पाठ करना, सबको आशीर्वाद देना, तो आए थे अपना मत्था टेका, पूरी पूजा तो वीवीआईपी यजमान है ना आपके? वीवीआईपी अब हमने कहा कि जब आप कुछ ना कुछ मंदिर के लिए कराइएगा, डेवलपमेंट कार्य जो भी आपके स्वेच्छानुसार हो सके तो उसमें मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाएगा आपकी तरफ से। तो अब देखिए भाई हनुमान जी ने उनको विजय कराया है यहाँ से। एक बात बताइए, वायनाड से भी जीते हैं ठीक ठाक बढ़िया अंतर से और रायबरेली से जी। तो कौन सा रखेंगे? अब देखिए भाई हमको तो लगता है रायबरेली से रखें, क्योंकि हनुमान जी महाराज के दर्शन करके गए थे, उन्होंने आशीर्वाद लिया था और हनुमान जी महाराज ने उनको सफल भी किया यहाँ से। तो सफल का माने कि मंदिर भी इसका भी आकार सुंदरता सब कुछ, उनको कुछ ना कुछ इसके लिए कराना चाहिए। अब उन्होंने मत्था टेका, यहीं से अपनी रथ यात्रा चालू की विजय की, तो उनको कुछ ना कुछ यहाँ के लिए करना चाहिए, डेवलपमेंट विकास। इसमें कोई आए तो देखे कि हाँ मंदिर चमक रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषि अवस्थी नाम है। हमें जैसे कि होता ही है कि नेताजी भी मंदिर के शरण में चले आते हैं, चुनाव तो अब खत्म हो गया है, लेकिन क्या लगता है अगर हम राहुल गांधी को लेके बात करें तो वायनाड या रायबरेली कौन सा चुनेंगे वो, क्योंकि दो में से एक ही रख सकते हैं? देखियो ये विषय कांग्रेस परिवार का और राहुल गांधी जी का है, इस विषय से हम लोगों का कोई बहुत ताल्लुक नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस बड़ा उत्साहित और प्रफुल्लित है, तो उसकी ये गलत फहमी है। यह जीत केवल कांग्रेस और केवल गांधी परिवार की जीत नहीं है। इनके सामने जहाँ पर एक विपक्ष का सशक्त प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुनाव लड़ रहा था, वहाँ पर रायबरेली जनपद से पैदा हुए राजनीतिज्ञ आदरणीय मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे थे। जिस ताकत और शक्ति, जिस समर्थन के साथ रायबरेली जनपद में उन्होंने अपना झंडा गाड़ा है और अपना वोट संजोने में कार्य। क्या शुभ नाम है आपका? रवीन्द्र सिंह। रवीन्द्र भाई अब मैं मान गया आप बीजेपी के हैं, लेकिन आप जानते हैं कि संविधान की भी मजबूरी है, दो में से एक ही सीट रहेगी। आपको क्या लगता है बतौर भाजपा नेता ही सही, रायबरेली के निवासी होने के नाते ही सही, कौन सी सीट रखेंगे? देखो जिनका जो पुराना इतिहास बताता है कि इस बार इनकी दादी श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी दो जगह से चुनाव लड़ी थी, पहला वायनाड था और दूसरा रायबरेली जनपद था, और इन्होंने दोनों जगह जीत हासिल करने के बाद इन्होंने रायबरेली का परित्याग किया था और अडॉप्ट किया था वायनाड को। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इन पे भरोसा करना, इनके लिए भरोसे की बात करना, दोनों में अंतर है। अभी हम आप पे भरोसा करना चाहते हैं, दो में से एक बताइए कौन सा रखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, माननीय राहुल गांधी जी का। हम आपसे पूछ रहे हैं, रायबरेली के निवासी हैं, आप पे भरोसा करना चाहते हैं, दो में से कौन सा आपका मन कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको रायबरेली रहना चाहिए, जब ये पारंपरिक सीट और परिवार बताते हैं तो रायबरेली इनको रहना चाहिए। रायबरेली की जनता को दोबारा क्यों ये चुनाव में झोंकने का काम करने जा रहे हैं? रायबरेली की जनता को क्यों चुनाव में झोंकने का काम करना चाहते हैं? वायनाड में छोड़ दें, वायनाड में भी चुनाव करवा दें, वो चाहे जहां एक जगह उनको छोड़ना पड़ेगा, चुनाव करवाना पड़ेगा, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जहां उनकी इच्छा होगी वो अपनी सीट रखेंगे, इसमें हमारा लोगों का कोई रोल नहीं। तो मजबूरी तो है, दो में से एक रहेगी, उनकी मजबूरी ये है ना, मजबूरी हमारी लोगों की मजबूरी नहीं, पर क्षेत्र की मजबूरी ऐसी कि यहाँ चुनाव हुआ फिर वोट डालना पड़ेगा, फिर वो ये तो लोकतंत्र में होता रहता है, लोकतंत्र में वोट देना, मतदाता कैसे अपना वोट करता है ये उसमें। इसमें ये भी हो सकता है, जान तो गए कि बीजेपी वाले हैं आप,
तो आप कह दीजिए कि वायनाड रख लें, यहाँ कम से कम फिर वापस आप लोग लड़ाई। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं, उनकी जो इच्छा हो अपना करें, वो उनके ऊपर निर्भर करता है, उनका मामला है, व्यक्तिगत मामला उनका है, उनके परिवार का मामला है। इसे राजनीतिक नहीं बनाएंगे आप लोग? राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं। चलिए, ये मंदिर है चूंकि, और बीजेपी के नेता यहाँ हमें दिख गए थे, पहले तो सफ़ेद कुर्ता पैजामा में थे, उसके बाद उन्होंने स्वयं ही परिचय दिया कि बीजेपी के नेता हैं। दुबे जी, आप बता रहे थे कि आप बोलेंगे तो हम दिखाएंगे नहीं, तो ऐसा क्या बोलेंगे कि हम दिखाएंगे नहीं? सरकार को आम जनता है, मध्यम वर्गीय परिवार, जो बिना कुछ नहीं ये राशन देना ये सब करना बंद करना चाहिए, एक समानता नियम लाना चाहिए, कुछ ऐसा करे जिससे राशन हमें फ्री का ना देना पड़े। कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की हो, कोई फ्री का बंद करे। कांग्रेस ने गड्ढा खोदने का काम दिया, इन्होंने फ्री 5 किलो के था। चुनाव के परिणामों का सीख दे रहे हैं आप? चुनाव परिणामों की सीख नहीं दे रहे भैया, ये आम जनता के लिए है। ये आपका आपका भी बच्चा अगर 5 साल का होगा और हमारा भी बच्चा होगा तो क्या राशन के लिए करेगा क्या? या नरेगा का 250 रुपए में गड्ढा खोदेगा? या जो नेता कल भाजपा में रहेगा वो आज कांग्रेस में आ जाएगा? अब मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए। इस मंदिर का बड़ा पुराना महत्व है, हम लोग देखते रहे हैं, गांधी परिवार आता है, पूजा वूजा करता है, मंदिर का महत्व लेकिन भैया गांधी परिवार से मंदिर। हाँ हाँ, मैं मान गया मान गया। यहाँ बजरंग बली बैठे हैं, हम आप चुनाव गए रुक गए तो महत्व। ये बड़े नेता आते हैं तो थोड़ा उस चीज कर रहे हैं। भगवान से कोई बड़ा नेता नहीं। हाँ, भगवान से कोई बड़ा नेता नहीं, प्रभु से बड़ा तो कोई नहीं है, मैं भी मान गया, लेकिन ये आते हैं तो पीछे पीछे हम लोग भी चले आते हैं उस लिहाज से। यही तो मीडिया गलती है कि ये आए तो मंदिर दिखाया जा रहा, आप जब जाइए तब यहाँ दर्शन करके जाइए। चलिए, वो तो रायबरेली करिए तब दर्शन वगैरह ठीक है, वहाँ के बगल में एक बात मंदिर भी है, वहाँ भी जाना चाहिए अगर जाते हैं सब जगह तो। अच्छा, ये आप राहुल गांधी को कह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी नहीं, सबको भैया, सब जो आए वो दर्शन करके जाए। नहीं तो ये समय सबके लिए समय बनाना पड़ेगा ना भैया, समय समय। अब प्राथमिकता में ये बताइए कि वायनाड रखेंगे राहुल जी या रायबरेली? निर्वाचन आयोग को 2 जगह से चुनाव लड़ने का खत्म कर देना चाहिए, 1 जगह से लड़े। आम जनता का पैसा खर्चा होता है ना, राहुल गांधी खर्चा हो रहा है ना किसी और नेता का खर्चा हो रहा है। सबसे पहले निर्वाचन आयोग को ये बंद कर देना चाहिए कि 2 जगह से चुनाव लड़े, किसका पैसा जा रहा है? कब तक जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे भैया, कब तक? आप लोग भी जगिए, आप लोग भी कुछ ऐसी चीजें दिखाइए भाई, पैसा किसका लगेगा आप बताइए। पर इस बार 2 जगह से लड़े हैं तो कोई एक जगह तो वो उनकी इच्छा भैया, हम उनकी इच्छा से पहले जनता की इच्छा जानना चाहते। नहीं, वो उनकी, आप देखिए इच्छा क्या है। देखिए, वो यहाँ से लड़े हैं रायबरेली से, 2-4 बार रायबरेली आएंगे, हो सकता है 2-4 बार वायनाड गए हो पिछले। इस बार भैया वो उनकी इच्छा है, वो उनका जहाँ से हृदय मन करे। आपकी क्या इच्छा है? हमें नहीं लगता रायबरेली, हमारी इच्छा से नहीं करेंगे। हमारी इच्छा से वो नहीं करेंगे, हमें लगता है वो वायनाड जाएंगे, छोड़ेंगे, रायबरेली रखेंगे। वजह? अब वजह ये है कि रायबरेली यूपी में उनका महत्व खत्म हो रहा था, तो यूपी में अपने को जिंदा रखेंगे, वायनाड में वो शायद पहले से ही उनका मजबूत है, तो अपना वायनाड रखेंगे, छोड़ेंगे, वो किसी और को लड़ाएंगे।